always there. Even psychological help also I give. My duty is to do that. Now, cost क्या है? पहले सोचते हैं और ये क्यों निकाली गई है? क्यों निकाली गई है? ये पेन मारकर मैंने प्रोडक्शन की बन गया. क्यों बनाया था? घर में रखने के लिए, बेचने के लिए. मैंने मार्केट में गई, मैंने बोला भैया प्लीज ये खरीद लीजिए. ये क्या पूछेंगे? कितने का है? पूछेंगे ना कितने का है. अब मैं सोचूंगी कितने का है, पता नहीं. एक मिनट में नजर आई कैलकुलेट करके, बिना प्राइस के तो कुछ नहीं. सो इट मीन्स टू कैलकुलेट द प्राइस आई नीड टू कैलकुलेट राइट. हम जनरल एग्जाम्पल समझते हैं. मैंने क्या किया? मैंने बोला थी 10,000 रुपीज का लगा था रॉ मटेरियल पूरे मंथ में. 5,000 का आया था मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल. 5,000 रुपीज आई गेव टू द लेबर एंड सो ऑन. मे बी 10,000 इसमें गया, 10,000 इसमें लग गया. सारे मैंने जितने पैसे लगे मंथ में मैंने सब रिकॉर्ड कर दिए. कितने हो गए ये? 40,000. 40,000 में मैंने टोटल 4,000 मार्कर्स बनाए, 4,000 मार्कर्स बनाए. कितने का बेचना चाहिए मुझे ये? 10 नहीं हुए? प्रॉफिट नहीं लेना, 12 का बेचो. राइट, इस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. 15 का बेचो, ज्यादा चाहिए. अब आप लोगों में से कितनों को ये लगता है, मे भी सही हो, सुने ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. कितनों को लगता है कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपके हिसाब से, पहले मैं बोलती हूँ फिर आप मुझे डिसएग्री कर सकते हैं. प्रॉफिट आपके हिसाब से होता है मैंने ये मार्कर्स बेचकर जितना पैसा इकट्ठा किया उनमें से सबके पैसे दे दिए, इसके दे दिए, उसके दे दिए, रॉ मटेरियल के दे दिए, लेबर. जो एंड में बच गया वो मेरा क्या हो गया? ये कितने लोगों को लगता है? लगता है ठीक है, रेज योर हैंड. तो ठीक ही लगता होगा अगर लगता है. ओके, एक बात सुने ध्यान से. अब आज के बाद ये बात काट दें अपने दिमाग से. जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट होगा. क्या मैंने इस बिजनेस में एंट्री बचा हुआ चीज लेने के लिए की थी? दोबारा बोले, नो. क्या मैंने बिजनेस जॉब छोड़ के बिजनेस ज्वाइन किया इसलिए कि जो बच जाएगा मैं रख लूंगी? आई एम सो सॉरी, आई एम अ प्रोड्यूसर. बचे हुए के लिए नहीं आई थी मैं यहाँ पे. जो बच जाएगा मैं ले लूंगी. ओह हो प्लीज, ये घर नहीं है. मम्मी कहती चलो जो बच जाएगा मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं, चल एंड में बच्चों ने खा लिया, बड़े खुश हो गए. सॉरी, आई एम अ प्रोड्यूसर, आई वॉन्ट माई प्रॉफिट ऑन द टॉप. डू यू नो द कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट. ये जो सबसे पहले एंट्री डालता है ना प्रोड्यूसर, पहले अपने प्रॉफिट की डालता है. मेरा प्रॉफिट है ना, बाकी ये खर्चे कैलकुलेट, दिस बिकम्स कॉस्ट. इन माई कॉस्ट चैप्टर रिमेंबर कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट. वो कैसे? कॉस्ट की दो टाइप्स हैं. इसे हम कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं. कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं. इसकी दो टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स. वन इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दो तरह की कॉस्ट होती है. पहले इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं. एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट. दिस कॉस्ट, दिस मनी इज गिवन टू द आउटसाइडर. आई विल डिक्टेट बाद में लिखेंगे. आउटसाइडर क्यों दी? फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज. ये वो पैसा है जो किसको दिया है? बाहर वालों को दिया है. किस लिए दिया? क्योंकि उनसे कुछ काम लिया था. रॉ मटेरियल खरीदा, पैसा दिया, किसको दिया? बाहर वाले को दिया. वेजेस दी लेबर को, किसको दी? बाहर वाले. क्यों दी? बिकॉज ही वर्क फॉर अस. ओके, ये कौन सा है? दिस इज अ मनी गिवन टू द ओनर हिमसेल्फ. क्यों दिया ओनर ने अपने आप को? क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज दी थी. फॉर रेंडरिंग हिज ओन सर्विसेज. मैं यहाँ ज्ञान स्थान में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. आई एम श्योर आप अकाउंट्स के बच्चे हैं, ये जानते हैं. इंडिविजुअल अलग होता है, फर्म अलग होती है. दोनों की आइडेंटिटीज अलग अलग है. वी आर नॉट इमोशनल बिटवीन दीज टू.
आई एम श्योर यू नो दैट. अगर ह्यूमैनिटीज में हो तो बता दिया जा रहा है, ज्ञान स्थान इज अ सेपरेट एंटिटी, आई एम अ सेपरेट एंटिटी, आई कैन नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, राइट. दोनों की आइडेंटिटीज आर डिफरेंट. जो पैसा मैंने अपने आप को दिया दैट विल बी इंक्लूडेड इन इम्प्लिसिट कॉस्ट अभिनव, और ये बाहर वाले को दिया, राइट. अब हम एक एक करके इस बात को समझते हैं. से मैंने रेंट दिया इस जगह के ओनर को, वो इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट? पे अटेंशन, एक्सप्लिसिट, क्योंकि रेंट इज गिवन टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग हिज सर्विसेज. जो कॉस्ट होगी वो पता है कौन सी होगी? जो फैक्टर सर्विसेज के लिए देते हैं हम, कौन सी होती है फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर. लैंड वाला क्या मांगेगा? लेबर को वेजेस, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन सबको हम क्या कहेंगे? पेमेंट्स. पेमेंट्स आर द कॉस्ट टू द कंपनी. Payments are the cost to the company including profit. Right? Again. Okay? धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा. अब मैंने क्या दिया? Rent to the landowner. This is what is explicit cost. Rent on my, पहले इसको सारे ये समझ लेते हैं, then आएगा. Wages to the laborer. Explicit. ठीक है? Okay. Interest on loan. I took loan from bank. Explicit. Sure? Okay. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अभी एक बैगर आ जाए बाहर से, बाहर से एक बैगर आए, मैं उसे 20 रुपए दे दूंगी, किसमें डालेंगे? बैगर में आऊं हमने दिया ऐसे, हमने अपने इससे में दिया, मैं इंग्लिश नहीं होगा, सोच के बताओ, मैं तो इंग्लिश इंग्लिश होएगा. शुक्र है किसी ने दिमाग चलाया. कॉस है क्यों? ध्यान रहे, सुन लें, यहाँ वर्ड लिखे हैं. क्या हमने उससे काम कराया था बैगर से? If you are not taking services against that, you are paying some money, that's not the cost. वो कहाँ एंट्री होगी वो तुम्हारे अकाउंट्स वाले समझा देंगे. चैरिटी डोनेशन कहाँ डाली जाती है? टीसी के अंदर. चलो चैरिटी है, 20 की हो, 5 की हो, 50,000 की हो, समझ में मेरी बात? ठीक है. इट मींस दैट इज नॉट कॉस्ट. क्यों? कॉस्ट का मीनिंग क्या था? एक्सप्लिसिट इज द कॉस्ट गिवन टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज. This is the money given to the owner himself for his own services. So beggar is not provided any service, so no money will be considered in cost. Is it clear to everyone? Sure. अब explicit की examples तो बोल दी. Implicit की सुनिए. Rent on own land क्या आएगा implicit में? ये कमरा मेरा अपना है, मैं इसका rent ज्ञानस्थान को, ज्ञानस्थान अपने accounts में डालता है. क्या आएगा? डालते हो एंट्री रेंट ऑन ओन लैंड? डू यू पास इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एक्सप्लिसिट ना, वो जो प्रॉफिट होता है उसके बाद. तो वी विल नॉट कंफ्यूज विद अकाउंट्स, डालते कि नहीं, है ना? रेंट ऑन ओन लैंड, सैलरी गिवन टू द ओनर हिमसेल्फ, अपनी सैलरी के प्राइस पे लेता है, इंप्लिसिट. रेंट एक्सप्लिसिट. रेंट ऑन ओन लैंड मेरी अपनी लैंड है, एक्सक्लूसिव ये बात को चार्ज नहीं, इंप्लिसिट होगा. ओनर विल टेक मेरी लैंड, मैं लूंगी, मैं किसी को क्यों दूंगी भाई? मेरी जगह मैंने ज्ञान स्थान को दी, रेंट दो भाई. अगर मैंने ये जगह किसी और फर्म को दी होती रेंट आता, बट बिजनेस के लिए तो एक्सक्लूसिव ही है ना. बिजनेस की कॉस्ट निकाल रही हूँ. That is, I am the owner. I have taken the land. This is my land. मैं rent लेती हूँ भाई. Owner is himself is taking. अब इसको ऐसे समझते हैं क्यों कर? क्यों हुआ? आप ऐसे अच्छा उसे इस तरह से confuse कर रहे हैं? नहीं, आप उसे अभी उस point को रख दीजिए. वो सिर्फ हमें देखते हैं उसको, हम उसको नहीं देखते. हम देख रहे हैं अगर owner ने salary ली, owner himself is taking. यहाँ हम इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखेंगे. आई एम ओनर माई सेल्फ. अगर मैं खुद इसमें से सैलरी ले रही हूँ, मैं प्रॉफिट ले रही हूँ, प्रॉफिट भी हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं, यहाँ लिखेंगे इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. आई एम टेकिंग प्रॉफिट, आई एम टेकिंग सैलरी, आई एम टेकिंग रेंट, और मे बी इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल. लोन नहीं, लोन तो यहाँ आ गया ना बेटा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया,
जब मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया वहां से क्या लिया इंटरेस्ट लिया दैट विल बी इंक्लूडेड हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझ रहे हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगी फॉर द प्रोडक्शन इसके लिए ठीक है इम्प्लिसिट क्या होगी और एक्सप्लिसिट क्या होगी क्वेश्चन ये आता है क्या हम ये डालते हैं रेंट ऑन ओन लैंड और इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल हम डालते हैं क्यों डालते हैं किसी को पता है फर्म के लिए एक्सपेंस है ऊपर से हम टैक्स सेव करने के लिए भी डालते हैं आपको पता भी होगा आपके घर में बिजनेस में मम्मिया भी पार्टनर होंगी दादी भी होंगी सब होंगी उनकी सैलरियां दिखाई जा रही होंगी मिलती मिलती नहीं होंगे बेचारे को डाली होती है लेकिन डालते ना क्यों खर्चे दिखाने के लिए से मैंने 1 लाख रुपीस कमाए अब गवर्नमेंट जो आगे भी टैक्स दो मैंने बोला नहीं नहीं सॉरी जी इसमें से 20,000 तो हमारा अपनी लैंड का रेंट है राइट इसमें से 10,000 तो हमने फिक्स सैलरी दे दी अपनी प्रोवाइडर को ये दे दिए उसको ये माइनस करके बोला ये तो बच्चे मेरे पास ये ले लो इसमें टैक्स क्या लेना है तो एग्जेम्प्टेड है 3 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है सो इट मींस हम क्यों ये दिखाते हैं ये सारे खर्चे यस इसीलिए एक और बात रिमेम्बर ठीक है किसको लिखेंगे हम दिस इज द एक्चुअल मनी व्हिच इज गिवन टू द आउटसाइडर एंड दिस इज व्हाट इज द एस्टिमेशन व्हिच वी पास क्या मतलब हुआ ये एक्चुअली अंकल नीचे वाले मेरे से रेंट लेते हैं एक्चुअली बहादुर मेरे से पैसा लेता है ये मैं अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर नहीं देती ले भाई तेरी सैलरी ले तेरा प्रॉफिट ये तुम्हारा रेंट नहीं इट्स जस्ट द एस्टिमेशन व्हिच आई पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो इट मींस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट गिवन टू द ओनर हिमसेल्फ फॉर हिज सर्विसेज एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर मनी गिवन टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज ओके कुछ बात समझ में आई कंफ्यूजन है कोई नहीं है सिर्फ रेंट दो लिखे हो सकते हैं रेंट ऑन ओन लैंड इफ इट इज रेंट ऑन लैंड इट विल बी एक्सप्लिसिट इफ इट इज रेंट ऑन ओन लैंड अपनी ही जमीन का हम क्या स्थान क्या डालेगा इम्प्लिसिट अपने आप को दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया या स्थान की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चा दिखाया क्लियर हो गया ओके लेट्स राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइंड कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट डिफाइंड कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट विद इट्स कॉम्पोनेंट्स विद इट्स कॉम्पोनेंट्स कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट लिखा है बोर्ड पे विद इट्स कॉम्पोनेंट्स आंसर लिखें इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर सम टोटल ऑफ एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स ब्रैकेट में लिखो कौन सी होगी एक्चुअल मनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा एक्सप्लिसिट कॉस्ट and estimated value of inputs provided by owner himself कौन सी हुई ये वाली ब्रैकेट में लिखी implicit cost Himself, implicit cost, including normal profit. Implicit cost bracket में लिखा उसके बाद लिखा including normal profit. नहीं इसको ऐसे रखा अब वर्ड यूज किया है normal profit. इसको पहले समझ ले normal लिखा है स्पेशली क्यों कोई कल्ला प्रॉफिट क्यों नहीं क्योंकि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं
नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल नहीं सुपर नॉर्मल राइट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट होता है मिनिमम अर्निंग व्हिच यू गेट. हम भी क्या होता है जैसे सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट है सुपर मैंने बोला नॉर्मल वर्ड ही होता है सुपर नॉर्मल राइट. नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल. नॉर्मल क्या है ये मार्कर बनाने वाले जितनी फर्म्स हैं उन सबको जितना बचता है दैट्स नॉर्मल. सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स जितना अर्न करती हैं दैट्स द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम प्रॉफिट व्हिच एवरी फर्म अर्न्स. आर यू गेटिंग मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम अर्निंग्स कह लो. व्हाट इज सुपर अगर ये है मिनिमम अर्निंग मैक्सिमम. मैक्सिमम नहीं कहते हम कहते अबाव ऑफ अर्निंग्स. मुझे ये 20 रुपए में बेचकर मारकर नॉर्मल प्रॉफिट होता था. एक बंदा आया उसकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा थी मारकर खरीद मैंने उसे 30 रुपए में दे दिया. व्हाट डिड आई अर्न एक्सेस ऑफ अर्निंग्स अबाव अर्निंग्स नॉर्मल से ज्यादा हुई ना. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था उत्तराखंड डिजास्टर में आई विटनेस देयर. मैंने बताया था आपको बताया था वी वर देयर उत्तराखंड डिजास्टर में 400 रुपए की रोटी दी थी उन्होंने. क्या वो नॉर्मली 400 रुपए की है वो तो बदली सुपर डुपर प्रॉफिट ही अर्न कर लिया. ओवर 100 रुपीज की एक चपाती थी. इट मीन्स अबव अर्निंग्स सुपर नॉर्मल. ये रोज रोज नहीं होते. क्या रोज रोज वहां लोग फंसेंगे और वो 400 की रोटी बेचेंगे ये नहीं. इट्स अबव अर्निंग. नॉर्मल प्रॉफिट हम टारगेट करते हैं दैट्स द मिनिमम व्हिच वी ऑलवेज टारगेट एट. मिनिमम होता रहे हर बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट होता रहे बड़ा अच्छा चल रहा है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हर रोज नहीं होते. बात आ रही है समझ में. ये लिखेंगे बाद में जहां जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे लिखिए फॉर्मूला लिखो इसके आगे. इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू ऐसे लिखो जी कॉस्ट स्लैश इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. साथ में लिखो इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दीजिए इसको. जिस बच्चे का थ्योरी अच्छी होगी कॉस्ट की उसके न्यूमेरिकल्स अपने आप निकल जाएंगे. नो नीड टू कॉन्सेंट्रेट देन ऑन न्यूमेरिकल्स. कॉस्ट में अगेन वार्निंग एक एक छुट्टी भारी पड़ेगी मारो और देख लो राइट. ये आना है ना तुम्हें पेपर में. तुम्हें नहीं आना. 3 से 4 दिन जनरली इसके नीचे अब इसको बेटे टेबुलर फॉर्म में लिख लो. बीच में एक लाइन लगा के पहले ऊपर लिखो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. क्वेश्चन में था ना कंपोनेंट्स ऊपर लिखिए देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. इसी के साथ आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कॉस्ट और उसके कंपोनेंट्स बताओ राइट. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट. कौन से वाले इधर दिख रहे हैं हमें इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. लेकिन इसे टेबुलर फॉर्म में लिखो पेपर में क्वेश्चन ये डिफरेंस की फॉर्म में ही आएगा. सो बीच में एक लाइन लगा दो. एक तरफ लिखो इंप्लिसिट कॉस्ट दूसरी तरफ लिखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बात आ रही है समझ में. टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके पहले इंप्लिसिट कॉस्ट लिखा फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट लिखा. बीच में लाइन लगाइए टेबुलर फॉर्म में लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखिए इंप्लिसिट में. ओके इट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्लिसिट में पहले लिख रहे हैं हम. इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स. इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स. अंडरलाइन करो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स. मतलब क्या हुआ इसका जो खुद के फैक्टर सर्विसेज दी उसके बदले में मिला. ओके दूसरी तरफ लिखिए इट इज द पेमेंट. इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स. इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स इसलिए फॉर हायरिंग देयर सर्विसेज राइट. फॉर hiring their services. दोबारा बोलू समय. ओके अंडरलाइन क्या करेंगे आउटसाइडर हायरिंग सर्विसेस.
मेरे से पूछो बेटा कुछ छूट गया तो अंडरलाइन किया आउटसाइडर हायरिंग सर्विसेज. सेकंड पॉइंट इट इन्वॉल्व्स इट. सेकंड पॉइंट सिंप्लिसिटी का इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स. इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ. एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ. अंडरलाइन एस्टिमेटेड वैल्यू. द अदर साइड इट इन्वॉल्व्स यहां क्या लिखोगे एक्चुअल मनी पेमेंट. इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग और हायरिंग. एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग और हायरिंग इनपुट्स. ऑन बाइंग और हायरिंग यहां अंडरलाइन क्या करेंगे एक्चुअल मनी पेमेंट. थर्ड पॉइंट इट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट. द अदर साइड इट डज नॉट इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट. डजंट इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट. फोर्थ पॉइंट विल बी एग्जाम्पल. दोनों तरफ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख दो. मैं शफल करके बोलूंगी आप आइडेंटिफाई करेंगे फिर लिखेंगे. ओके इंटरेस्ट ऑन लैंड एक्सप्लिसिट लिख दीजिए. एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट ऑन लैंड सॉरी रेंट ऑन लैंड. बोल भी नहीं रहे बुझो. रेंट ऑन लैंड इंटरेस्ट ऑन लैंड. फिर रेंट ऑन ओन लैंड क्या होगा इंप्लिसिट में लिख देंगे. रेंट ऑन ओन लैंड कल 40% लोग बीमार थे ना. कितने दिन हो गए आई एम नॉट कीपिंग वेल स्टिल आई एम हर रोज ही वो कर लेते हैं. आगे करने वाले हैं सभी आप. आगे लिखे इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा एक्सप्लिसिट. And interest on capital. Interest on capital implicit. Interest on loan explicit. Wages to laborer. Explicit. Wages to laborer. Wages to laborer. Laborer. Actually, labor क्या होती है? What is labor? And what is the meaning of laborer? Labor is the work which the person, the laborer does. So wage is given to the laborer for his labor. Okay? हम अपनी real life में बड़े words गलत बोलते हैं. जैसे labor. क्या कह रहे हैं? बंदर. आगे लिखें. Salary to the owner himself. Salary to the owner himself implicit. Salary to partner क्या है? Explicit. मैं तुम्हारे account से चल रही हूँ तुम भी आओ owner himself. बस. Salary to entrepreneur भी लिखी हो सकती है वहाँ पे. Loan उसी को capital कहते हैं. नहीं loan अगर हमारा कुछ को अंदर में partner उसको पास आउट किए थे जब आप पैदा भी नहीं हुए थे सर. हुए थे क्या बस फिर पता होना चाहिए बड़ी सारी चीजें. आप बिजनेस करते हो बहुत सारे चीजें नहीं पता बेटा. मैं भी अपनी MBA की नॉलेज लगाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी. चले ओके अब अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉस्ट फंक्शन. डिफाइन कॉस्ट फंक्शन. पहले फंक्शन वर्ड सुना है फंक्शन इज द बेस. यस थैंक गॉड एक तो याद है.
लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, बताइए मीनिंग क्या उसका? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन, समय कॉस्ट फंक्शन का मतलब बेस, कॉस्ट का बेस क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो कॉस्ट की कॉस्ट तो अपनी राइट बेस क्या है? कॉस्ट का बेस इनपुट होगा, फैक्टर रॉ मटेरियल इनपुट है ना, क्या कॉस्ट का बेस इनपुट है? एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो वो तो कॉस्ट ही है। बच्चों एक बात सुनो, आप मुझे जो कह रहे हो कॉस्ट होगी वो तो कॉस्ट ही है। कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है? कॉम्पिटिटिव गुड्स, इनपुट्स पे ही है, क्वालिटी। मैंने चैप्टर बोला था प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। जिसको प्रोडक्शन में गड़बड़ आएगी उसको कॉस्ट समझ नहीं आएगा, ध्यान से इधर रखें, ठीक है? बेटर, मैं बिना देखे बता सकती हूँ कौन नीचे क्या कर रहा है, ओके? नहीं अंदर ही हमें एक्सपीरियंस हो गया बेटा, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया। साइकोलॉजी का भी थोड़ा ज्यादा फायदा उठाती हूँ मैं इस बात का, क्योंकि जिसको साइकोलॉजी आती है उसको थोड़ा सा जरा अंतर्यामी वाली फीलिंग आने लगती है। नाउ एक और बात बताते हैं, फीमेल्स में सिक्स सेंस इज वेरी हाई विच मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डजंट यूज, यू नो, इवन इफ इट टर्न और हमें कोई पीछे से भी देख रहा हो तो हमें पता चल जाता है। सिक्स सेंस इज वेरी हाई, सो पीपल डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आई एम श्योर एवरी फीमेल इज अवेयर अबाउट इट, राइट? सो पीछा तो नहीं करते तुम किसी का, ये पता लगता है इसीलिए राइट। अब सुनिए कैसे, वापस आ जाइए, कॉस्ट और आउटपुट कैसे कनेक्टेड है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हेलो हेलो, वापस आउटपुट और कॉस्ट का क्या रिश्ता है? अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी आपको? इस रूम में इस टाइम पर मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, क्यों? बिकॉज हाफ ऑफ द चेयर्स आर वैकेंट, बट इन द अदर बैच में भी 415 उसमें मुझे कॉस्ट क्या पड़ती है? कम, क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द चेयर्स आर फिल्ड। और इन अदर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे ना समझ पाए, आपके लेवल का एक एग्जाम्पल समझ पाए, आप स्कूल डेली कार से जाते हैं और 2000 का पेट्रोल या डीजल लगता है। आपने किसी डेली स्कूल जाते हैं, चलो छुट्टी मार के जाते हैं, 2000 तुम कॉन्सेंट्रेट करो छुट्टियों पे नहीं पेट्रोल पे, 2000 रुपीज वापिस वापिस जल्दी वापिस आ जाते, 2000 रुपीज का पेट्रोल या डीजल लगता है। आपने अपने, हाँ जी मीने, आपने किसी फ्रेंड से कहा, किसी फ्रेंड से कहा लेट्स पूल द कार, कार पूल कर ली, इसका मतलब हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, कितना खर्चा आएगा आपका? प्रोडक्शन बढ़ते ही खर्चा कम। आपने 5 फ्रेंड्स इकट्ठे कर लिए, खर्चा कितना? द मोर यू प्रोड्यूस द लेस द विल बी द कॉस्ट, सो देयर इज अ रिलेशन, कॉस्ट एंड आउटपुट हैज अ रिलेशन, राइट? इट मीन, अच्छा रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आउटपुट ज्यादा कॉस्ट कम, इनडायरेक्ट। इस रिलेशन को कहते हैं फंक्शनल रिलेशन, बट किस तरह का रिलेशन? इज अ नेगेटिव रिलेशन, इनपुट रिलेशन तो बड़ा है, इनपुट भी होगा इसमें, कॉस्ट कम हो जाती पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, तब भी आप आउटपुट ज्यादा निकाल रहे हैं, इनपुट भी होगा ना। सुनिए पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है बच्चे। अभी आप सिंपल एग्जांपल, इस रूम में मेरे एसी भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रही है, मेरा टाइम, मेरा एक घंटे की कीमत कितने बच्चे? थोड़े। सो कॉस्ट डिवाइड हो गई मेरी कितनों में? सिर्फ इतनों में। 415 के बैच में ऑलमोस्ट द होल चेयर्स आर फिल्ड विद द सेम इलेक्ट्रिसिटी, विद द सेम टाइम आई एम एबल टू प्रोड्यूस मोर, सो मेरी कॉस्ट क्या होती है उसमें? पर अगर एक साइड अगर हम कोई मैन्युफैक्चरर देखते हैं वो टी-शर्ट वगैरह बनाता है, ठीक है, ओके, टी-शर्ट वगैरह वो प्रोड्यूसर, बस वो लेबर भी इन्वेस्ट करेगा उसका, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, कितनी आई आपकी कॉस्टिंग?
देन ओके आपने इसको ये भी पढ़ेगी आप कहते हो जी लेबर भी लगेगी और भी लगेगा आपने प्रोड्यूस किए 700 आपको रेंट सेम है आप बड़ी सारी चीजें मिस कर रहे हैं कमरे का रेंट सेम है आपका जो बढ़ता है वो है वेरिएबल खर्चा वो भी आगे करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा होराइजन आपने भी पूछ लिया इसलिए जवाब दे रही हूँ आपका अगर 4 से 6 हुआ है प्रोडक्शन 400 से मे बी 800 हो जाएगी क्योंकि आपका रेंट सेम है बेसिक मशीनरी सेम है सिर्फ बड़ा क्या रॉ मटेरियल एंड वेरिएबल फैक्टर क्योंकि प्रोड्यूसर का एंगल समझते हैं ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं एक आना नहीं धीरे धीरे जैसे जैसे जाते जाते हैं मैच्योर बिहेव करते हैं मेरी बात आ रही है समझ में ओके सो इट मींस ये जो व्यक्ति बेसिक खर्चे 4 से 6 ही हुए हैं ये लेकिन प्रोडक्शन शायद आपकी इसमें डबल हो गई होगी तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हुई कम हो गई मेरी बात आ रही क्लियर रेंट इस कमरे का सेम ही लेना अंकल ने इस घंटे का लेकिन मैं अगर ज्यादा पढ़ा लेती तो मुझे क्या होता कॉस्ट कम पड़ती ना अभी ज्यादा पड़ रही राइट ओके मूविंग फर्दर पहले लिखिए इसको इट रेफर्स टू a functional relationship between it refers to a functional relationship between cost and output between cost and output it can be expressed as हाँ जी इट कैन बी एक्सप्रेस एज इक्वेशन बोर्ड पे लिखी है इक्वेशन कॉपी करें C इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू आउटपुट हाँ आउटपुट प्लस कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन पे डिपेंड रिलेशन बिटवीन दीज टू गंदे दिमाग चलाने से रिलेशन बिटवीन दीज टू इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है चाहे वो अपोजिट ही हो ओके जैसे प्रोडक्शन में बोला था आउटपुट में इनपुट वन इनपुट टू एंड इनपुट इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है वो क्या है इनपुट जितनी डालेंगे उतनी आउटपुट आएगी ठीक है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए नहीं ये जितना उसको कराया कराना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वेरी लाइट क्वेश्चन डिफाइन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जी हाँ ये खत्म हो गया डिफाइन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट को और भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है देखिए इधर ध्यान से आप बात में लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके ऊपर कॉस्ट कौन सी होती है और जो वेरिएबल होते हैं जैसे रेंट क्या है फिक्स फैक्टर है लैंड फिक्स है ना उसके ऊपर रेंट इज फिक्स कॉस्ट इट विल नॉट बी चेंज इवन इफ आई टीच 0 स्टूडेंट्स और मे बी 5 और मे बी 50 रेंट रिमेंस सेम वो भी हम सारा कुछ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं जब प्राइस बढ़ेगा वो लॉन्ग रन में होगा हाँ जी प्रॉफिट्स तो उधर वेटिंग होते हैं फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट फिक्स होते हैं क्योंकि बचा कुचा नहीं लेने आई मैं पहले अपना प्रॉफिट लिखती हूँ इतना तो लेना ही है भैया इस मंथ नॉर्मल सुपर नॉर्मल तो हम टारगेट ही नहीं करते एक बात याद रखें बचा कुचा प्रॉफिट नहीं होता सॉरी हम बिजनेस में बचे कुचे के लिए नहीं आते ये हमारी परसेप्शन है कि जो बच जाता है हम लेते हैं नो आई राइट माई प्रॉफिट ऑन द टॉप ये मेरा हो गया भाई ये इतना इसको गया इतना गया इसको गया इतना तो निकालना ही दैट इज फिक्स्ड सिर्फ एक ही वेरिएबल है कौन सा लेबर वाला वेजेस ओके हुआ अब टोटल फिक्स कॉस्ट को सबसे पहले समझेंगे वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इवन इफ आई डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग आई एम नॉट टीचिंग इवन अ सिंगल चाइल्ड राइट स्टिल अंकल जी टेक्स रेंट फ्रॉम मी
कितना कम या ज्यादा, कहते नहीं आपके पास बच्चे नहीं आप थोड़ा कम दे दो, कितना है से आई एम टेकिंग 10,000 में ले लो या जैसे भी ले लो. ओके इफ आई टीच वन द रेंट सेम, रेंट रिमेन सेम इवन इफ माई प्रोडक्शन इंक्रीजेस, रूम का रेंट सेम इवन इफ आई प्रोड्यूस लेस और इवन इफ आई प्रोड्यूस मोर, बैठो राइट बात आ रही समझ में. ओके दिस इज फिक्स कॉस्ट, इसका डायग्राम कैसा दिखाई देगा लेट्स अंडरस्टैंड, कोई बहुत टेक्निकल नहीं होगा. इस चैप्टर का बेस क्या है कॉस्ट का, कॉस्ट का बेस अभी पढ़ा था क्या है आउटपुट. तो याद रहे पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे कौन आएगा आउटपुट, इजी टू रिमेम्बर. हियर विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इवन इफ आई प्रोड्यूस जीरो और मे बी वन और मे बी टू थ्री फोर फाइव, what will be cost 5 10, give me parallel to x-axis, मुश्किल है नहीं लिखे. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बहुत सारे नाम है लिखे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्लैश अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल ओवरहेड, नाम लिख लो मेन में अनअवॉइडेबल ओवरहेड overed ओवरहेड, सप्लीमेंट्री इनडायरेक्ट, सप्लीमेंट्री इनडायरेक्ट एंड लास्ट इज जनरल कॉस्ट. जनरल यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, जनरल कॉस्ट मान से लिखो, इट इज दैट कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली, विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली with the level of output directly with the level of output. समझ में आ गया, it is not changing directly with the change in output, it remains the same. example लिखिए फटाफट से, example rent of shed शेड लिखा हो सकता है, लैंड लिखा हो सकता है, फैक्ट्री रूम, रेंट ऑफ शेड स्लैश लैंड कॉमा इंटरेस्ट ऑन लोन, मुझे एक और चीज बताएं अगर पेपर में पूछे कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की टाइप्स प्लस फिक्स एंड वेरिएबल की टाइप में दोनों में चूज करें, पहला लिखा रेंट ऑन लैंड फिक्स तो है, इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट. दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स तो है एक्सप्लिसिट, रिमेम्बर ऐसे भी पूछा जा सकता है. ओके सैलरी टू होम डिपेंड, अभी लिख रहे हैं, अभी सारे नहीं हो, लिखो पहले अगली यही थी, सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय फिक्स्ड में लिख रहे हो, फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट. ठीक है वेजेस क्या थी, लेबर कोड, वो वेरिएबल है वो नहीं आएंगी, सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय. अगला लिखे इंश्योरेंस प्रीमियम ऋतिक भाई आर यू नॉट राइटिंग, अगर आपको लगता है कि आपको आपकी सिस्टर के नोट्स काम आएंगे नहीं आएंगे, अच्छी बात है बीच में लाइन लगा, क्योंकि हर साल मैं नोट्स चेंज कर देती हूँ, तेरी सिस्टर तो 3 साल पहले बड़ी थी. ठीक है ओके हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हर बार सेम ही होता है, फिक्स होता है कि बदलता रहता है, फिक्स होता है, इट्स सेम एंड फिक्स होता है, ऊपर से एक्सप्लिसिट होता है क्योंकि कंपनी को जा रहा है. बोलिए इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स भी है सर, क्योंकि हर महीने लोन सेम इंटरेस्ट ही जाता है, तो लोन जब खत्म होता है तो उसका लोन पर डिपेंड करता है, लॉन्गर रन में खत्म होता है, वी आर स्टडीइंग शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में सेम ही जा रहा है, जरूरी तो ना लोन शॉर्ट रन से भी तो हो सकता है, लोन शॉर्ट रन में कैसे कितनी देर का होता है, 2 महीने का 3 महीने का लोन, हमने कब कहा कि कंपलसरी है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये फिक्स है, लोन नहीं है तो नहीं है. अरे हेलो, हमने इनमें से कोई नहीं कहा ये सारे कंपल्सरी, मेरी कंपनी में इंश्योरेंस नहीं है, मैं आई डोंट गिव इंश्योरेंस, आई हैव नॉट टेकन लोन, सो भी मैं नहीं है उसमें, लेकिन अगर किसी कंपनी के हो तो किस में डलेंगे,
फिक्स्ड में ओके राइट आगे लिखे इंश्योरेंस के बाद लिखा अगला लिखा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होनी होनी है फिक्स्ड है ना यस इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट इट इज आल्सो गिवन टू द आउटसाइडर कैसे आप कैसे आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती है हर साल आप जब उसका इंश्योरेंस करवाते हैं हर बार आपकी गाड़ी की जब हर साल इंश्योरेंस होती है इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ता जाता है पता हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन बढ़ते जा रही है आपको पता है सबको कि नहीं जितनी पुरानी गाड़ी उतना इंश्योरेंस का प्रीमियम हाई क्योंकि ब्रेकडाउन के चांसेस आर हाई ड्यू टू मोर डेप्रिसिएशन किसको पैसा दे रहे हो बाहर इंश्योरेंस की फॉर्म में दे रहे हो बस फिर अगर इफ यू आर पेइंग टू द आउटसाइडर आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट दैट इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओके हां जी बस लास्ट लिखिए मिनिमम स्टार्ट भी लेट ही होता है जाते हुए चू चू करते हो आते हुए नहीं लेट आते ना लास्ट लॉ पॉइंट लिखे मिनिमम रेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्लैश टेलीफोन इसके बाद ये स्केड्यूल ये मैं समझा दूंगी बाद में ये क्या है अगर लेट हो रहे हो स्केड्यूल डायग्राम कॉपी करो नीचे लिखो एज शोन डन As shown in the above diagram, TFC curve is horizontal. Straight line parallel to x-axis. Showing that it remains same at all levels of output. Wait for the attendance.